महेंद्रगढ़ में कई महीने पहले रेलवे फाटक से माजरा चुंगी तक के रोड को नया बनाने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने पुराने रोड को उखाड़ दिया था, लेकिन फिर इसमें दूसरे विभागों की एनओसी नहीं मिलने के कारण उसे नया नहीं बनाया जा सका और इस समय इस रोड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिससे वहां से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत अनेकों बार की है, लेकिन प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली। आज हमने एक सांकेतिक धरना दिया है। सांकेतिक धरने का मतलब होता है संकेत देना कि भाई हम ये धरना आज जो लगा रहे हैं ये परमानेंट भी हो सकता है अगर हमारा कोई काम ये रोड वाला नहीं हुआ। सरकार की निगलिजेंसी क्या क्या है, आज 10 महीने से लोग धूल खा रहे हैं और आधे बंदे इनमें से टेस्ट करवा लो कैंसर मिलेगी। कारण एक तो रोड का है, ऊपर से बड़ी मुश्किल से पिछली बार पानी डालने के लिए बोला, वो पानी अभी तक नहीं डला इनका। रोड हटवाने के लिए बोला था, अरे मारो अगर नहीं बना उसको धर्म हिम्मत को न्या और नारियल नारियल फोड़ने से तो मारो थो उसो तो कर दो तारा में यह भी दम को न्या। अभी 15 मिनट पहले एम ई साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आप जेई साहब के साथ ट्यूनिप किए, मैं नांगर चौधरी हूँ और पिछले ये 10 महीने से चल रहा है, वो अधिकारी उस पे थोप रहा है, वो अधिकारी उस पे थोप रहा है। आप एक नॉर्मल सी बात है, ये तो प्रशासनिक कार्य होते हैं कि रोड की खुदाई कर दी उन्होंने और पेटों की अभी तक उन्होंने परमिशन नहीं मिली है। मैंने उनसे पूछा कि आपने परमिशन के लिए फाइल अप्लाई किया नहीं किया, उन्होंने बोला कि हमारी एक बार तो रिजेक्ट हो चुकी है और हमने दोबारा अप्लाई कर दी है। अभी वन विभाग के अधिकारियों से हमें पता चला है कि दोबारा तो उनके पास दोबारा फाइल आई नहीं है, तो ये गुमराह करने वाली स्थिति है। जनता 10 महीने से परेशान है, धूल मिट्टी है वो बार बार दुकानों में जाती है, लोग परेशान है, दमे के शिकार है। मेरी खुद की यहाँ सब्जी की दुकान है।